2,000 years ago, a child was born in Bethlehem. He was Christ. Three astrologers saw a very bright star in the sky. They realized that some great personality was born. They followed the star and came near the baby Christ who was lying in the manger. The astrologers bowed before the child because they knew that the King of Kings was born. Christmas is the remembrance of the birth of Christ. Christ means Savior. His main philosophy of Christ is love, faith and compassion. Same Christ is being described by the Delhi Mizo Youth Choir. Wherever you go.
dressed in to die in sacrifice. The night was deep, but grace was strong. Oh, can you hear the angel's song? For unto us was born that day the Lamb to take our sins away. Flesh and blood has come to dwell. Flesh and blood, Emmanuel, God Himself.
Hallelujah! Hallelujah! In a secluded world, and peace to a man in a violent one. What he has done for them, he will do for you. If you would like to learn more, write to the address at the end of the program, and we'll send you some literature that will help you to let God into your life. Until next time, goodbye, and God bless. We have a free booklet called Guide to Happiness, and it's available in 8 different languages. If you'd like to receive a copy, just send us a post with your name and address to CBN India, PO Box 41, Banjara Hills, Hyderabad 500034, or call us at any of the telephone numbers closest to you. Call or write today. We'd love to hear from you. उनके पास धन और प्रतिष्ठा तो थी पर ये सब उसके कैंसर के बीमारी में काम नहीं आई फिर उसने कहां से मदद पाई पता कीजिए आज कुछ ही देर में नमस्कार और स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में समाधान कार्यक्रम में और हम खुश हैं कि आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हम आज एक विस्मित्र कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं चमत्कार या चंगाई क्या ये आज भी होता है क्या इसकी आज हमें आवश्यकता है एक व्यक्ति हमारे कहानी में चमत्कार की तलाश में था देवियों की कृपा से उसे पता था कि उसे कहाँ जाना है मदद के लिए इस कहानी के बाद हम आपकी भेंट डॉक्टर रवि ज़ैक्राइस्ट से कराएंगे जो आपके लिए चंगाई और चमत्कार जैसे विषय पर रोशनी डालेंगे पर रवि ज़ैक्राइस्ट से पहले एक अद्भुत कहानी सिर्फ आपके लिए मैंने अंतरराष्ट्रीय कानून और संबंधों पर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी जीवन के शुरू में श्री नायडू के पिता ने उन्हें सिखाया था अपने सिवा किसी और पर भरोसा न करना और इसी रवैये ने उन्हें लंदन के स्कूल तक पहुँचा दिया यूके में मेरा जीवन बहुत अच्छा बीत रहा था क्योंकि मैं वहाँ विद्यार्थी नेता था मैं इंडियन स्टूडेंट यूनियन यूके और यूरोप का जनरल सेक्रेटरी था वहाँ जो सफलता के बीज बोए गए वही उसे महान शिखरों पर ले जाने वाले थे मैं कॉलेज यूनियन का जनरल सेक्रेटरी खुद अपने बलबूते पर बना तो मैंने सोचा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ तो मुझ में आ गई गरिमा उत्साह और आत्मविश्वास के मेरे द्वारा कुछ भी करना संभव है इसलिए मुझे परमेश्वर की मदद की जरूरत नहीं थी ग्रेजुएशन के बाद उसकी उपलब्धियां कॉरपोरेट संसार में फैल गईं जो भी अभियान नायडू हाथ में लेता सोना बन जाता जब मैंने ये उद्योग शुरू किया तो हर चीज मेरे लिए सफलता थी मेरी कहानी सफलता की कहानी थी दरअसल इतनी पत्रिकाओं ने मेरे बारे में लिखा था मेरे पास सब कुछ था मेरे पास घर थे कारें संपत्ति नाम शोहरत राजनैतिक संबंध प्रभाव कुछ कमी नहीं थी मुझे
सालों साल कंपनी की जिम्मेदारियां और बहुत ज्यादा पीने ने मिस्टर नायडू की सेहत पर असर डाला। उसके पेट के निचले भाग में जबरदस्त दर्द शुरू हुआ। मैं हैदराबाद में एक डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मेरी जांच की और उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा, तो फिर उन्होंने प्रोस्टेट की भीतर से जांच की। नतीजे अच्छे नहीं थे। बायोप्सी से पता चला कि कैंसर काफी बढ़ चुका था, उसका इलाज काफी लंबा चलता और ठीक होने में भी शक था। मैं कितनी देर जीऊंगा? क्या मैं 3 महीने जीवित रहूंगा या 6 महीने या 1 साल या 2 साल जिंदा रहूंगा? पहली बार मुझे डर लगा और मैं भयभीत हो गया। तुरंत ऑपरेशन किया गया कैंसर को बढ़ने से रोकने के लिए। ऑपरेशन को सफल माना गया, पर यह आराम थोड़े समय के लिए ही था। दर्द लौट आया। 1 महीने तक ठीक रहा, पर ऑपरेशन के बाद के प्रभाव ने मुझे जकड़ सा लिया और वो इतनी जबरदस्त दर्द थी कि उस दर्द से अच्छी तो मृत्यु लग रही थी। मैं बिल्कुल बिस्तर पर था और मेरा उद्योग देखने के लिए मेरे अलावा और दूसरा कोई नहीं था। कंपनियों को चलाने वाला कोई भी नहीं था और उसकी शक्ति उद्योग संसार में क्षीण होने लगी। सब कुछ धराशायी हो गया। बिजनेस में उत्पादन गिरा, क्वालिटी नीचे गिरी, मार्केट से रिजेक्शन आने लगे। जब हालत ज्यादा बिगड़ गई तो बैंक ने खाता बंद कर दिया और सब कुछ रुक गया। और मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि अपनी सब फैक्ट्रियां बंद कर दूं। मेरी सब फैक्ट्रियां, मेरे सब बिजनेस बंद हो गए। नायडू निराशा में डूब गया। वो सब जो उसने बनाया था, जिन सब के लिए उसने काम किया था, सब चला गया। एक बार फिर शराब उसकी साथी बन गई। मुझे पूरी तरह एक यानी सिर्फ एक चीज का सहारा लेना पड़ा और वो थी शराब। मैं शराबी बन गया। वहां से मुझे पता नहीं था कहां जाऊं मैं। मेरे लिए जीवन निरर्थक हो गया, एक पूरा अधूरापन समा गया। पहली बार मैंने कहा कि क्या कहीं परमेश्वर है कोई? क्या परमेश्वर मेरी मदद कर सकते हैं? क्या वो मुझे बचाने को आ सकते हैं? क्या वो मुझे बचा सकते हैं? ये न जानते हुए कि वो कहां जाए, नायडू ने घरों पर प्रार्थना सभाओं में भाग लिया। दर्द में झकड़े हुए नायडू के लिए तुरंत प्रार्थना की जरूरत थी। प्रभु यीशु के नाम पर वो कहते और प्रार्थना करते, और वहां मेरे करीब कोई था जिसने मुझ पर हाथ रखा। वो जो दूर होते थे अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाकर प्रार्थना किया करते थे। फिर भी मुझे अभी तक पता नहीं चला था कि परमेश्वर सचमुच कौन है, पर जब वो मेरे लिए प्रार्थना करते मुझे मानसिक शांति मिलती। फिर एक ज्ञान की बात बताई गई कि वो कैंसर से मुक्त हो जाएगा। अंकल नायडू दर्द से आजाद हो जाएगा, कैंसर से मुक्त हो जाएगा। 10 दिन बाद रक्त की नई जांच रिपोर्ट ने बताया कि कैंसर पूरी तरह चला गया था। चमत्कारी चंगाई हो चुकी थी, किसी मानवीय प्रयास से नहीं परंतु परमेश्वर के हाथ द्वारा। अब नए प्रश्न मिस्टर नायडू को सताने लगे। पर मेरा क्या होगा? अब मैं 65 साल का हूं, पापमय जिंदगी के 65 साल। आप सोचते हैं यीशु मुझे स्वीकार करेंगे? जवाब हाँ। बाइबल कहती है यीशु धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने आए थे। मत्ती 9:13। मैं वहां परमेश्वर को खोज रहा था, पर मुझे नहीं मालूम था कि कौन सा परमेश्वर। फिर मुझे यीशु के गुण नजर आने लगे, तो फिर मैंने पूरी बात का अध्ययन किया और कुछ देर खामोशी में बिताया। मैंने कहा, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, आपने उसे नहीं चुना, उसने आपको चुन लिया। ये आप पर है कि आप उसे स्वीकार करें। मैंने कहा, मैं स्वीकार करता हूं। अब वो खुलकर सबको बताता है उस दौर के बारे में जब वो बिल्कुल असहाय था। असहाय था ताकि यीशु की चंगाई की शक्ति पूरी हो सके। वहां बहुत सारे लोग थे, लाखों लोग जो इसी हालत से गुजर रहे हो, शायद जिस हाल में मैं था। पर मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु है हमारे लिए। यीशु को खोजिए अपने लिए। यीशु है जो हमारे पाप पूरी तरह क्षमा कर सकता है। वो उनका जीवन अर्थमय बना सकता है, वो उनका जीवन परिपूर्ण कर सकता है। वो रक्षक है और वो पोषक है। जानते हैं, जब मैं श्री नायडू की कहानी सुन रहा था तो मैं खुद को रोक नहीं सका उस कहानी को याद किए बिना जो मैंने बचपन में पढ़ी थी जब मैं दिल्ली में रहता था। इसका शीर्षक था, धन तुम्हारे पास है। इसका सही अर्थ हिंदी में यही है कि बेशक कोई संपत्ति या दौलत तुम्हारे बिल्कुल करीब है,
मैंने एक चोर की कहानी सुनाई जो एक अमीर आदमी का पीछा कर रहा था एक गांव से दूसरे गांव तक, ताकि वो हीरा चुरा सके जो अमीर आदमी लिए जा रहा था। पर चोर को मालूम नहीं था कि हर रात जब वो अमीर आदमी सोने जाता था तो वो अपने हीरे चोर के सिरहाने उसके तकिए के नीचे छिपा देता था, और जब अमीर आदमी सो जाता तो चोर आधी रात के बीच में उठकर पूरे कमरे की तलाशी लेता उन हीरों को ढूंढने के लिए, सिवाय अपने तकिए के नीचे देखने के। और जब वो दिन आया जब वो दोनों जुदा होने लगे तो अमीर आदमी ने उससे कहा, मैं जानता हूं तुम क्या ढूंढ रहे हो, समस्या यही है कि तुम उसे गलत जगह ढूंढ रहे थे। अगर तुमने अपने तकिए के नीचे देखा होता तो तुम्हें ठीक वहीं हीरे पड़े मिल जाते। धन तुम्हारे पास है, दौलत तुम्हारे इतने निकट थी पर तुमने जाना नहीं। मैंने याद किया कि ये मैंने पढ़ी थी, ये हमारे जीवन के लिए एक सबक है। मिस्टर नायडू भी यही बात बताते हैं, ठीक कहा ना, शिक्षा, शक्ति, उपलब्धि, सफलता, अचानक सब इस सत्य से चरमरा जाते हैं कि मानव शरीर इतना नाजुक है और बहुत सी बातों से प्रभावित हो सकता है जिनके बारे में शायद कभी सोचा भी ना गया हो। आप और मैं उस संसार में रहते हैं, हम कई स्थानों पर कुछ खोजते हैं, कुछ तलाशते रहते हैं, और फिर कठोर सच्चाइयां हमें बताती हैं कि हमारा शरीर नश्वर है और हमें बहुत ज़रूरत है परमेश्वर की। और शानदार बात तो यह है कि वो हमारे बहुत निकट है पर हम समझ नहीं पाते। क्या आप उन तक पहुँचना चाहेंगे? दरअसल वही तो सबसे बड़ा खजाना है जो कभी भी संसार हमसे छीन नहीं सकता। उनसे मांगिए, वो न केवल आपकी शारीरिक आवश्यकता पूरी करता है पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो आपकी आध्यात्मिक आवश्यकताएं पूरी करता है। बहुत ही मूल्यवान मोती है यीशु मसीह। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? प्रिय प्रभु यीशु, मैं जानता हूं मैं तलाशता रहा, मैं खोजता रहा और मैं अपनी सबसे बड़ी कमजोरी अब जान गया हूं। वो कमजोरी स्वयं पाप है। मेरी आवश्यकता के लिए मेरे पास आइए, मुझ में वास कीजिए जैसे कि आप ही कर सकते हैं। मुझे शक्ति दीजिए और मेरी सहायता करें कि मैं उन चीजों की इच्छा करूं और खोज करूं जिसमें आपका आदर बढ़े और आप मुझसे प्रसन्न हों। धन्यवाद यीशु मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, आमीन। देखो, अगर मैं सचमुच चाहूं तो कल इसे बंद कर सकता हूं, पर उसे सचमुच मेरी जरूरत है। अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो वो सचमुच मर जाएगा, मुझे पता है ये। तो क्या बुराई है इसमें? मैं एक या दो दिन निराशा में गुजारने के बाद ही तो ये करता हूं। मैं हमेशा तो अकेला नहीं होता और ना ही किसी को नुकसान पहुंचा रहा। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं बहुत ज्यादा टीवी देखती हूं? मैं जरूरी कामों के लिए हमेशा समय निकाल लेती हूं। क्या बुरी आदतें और बुरे चुनाव आपके जीवन को बस में किए हैं? क्या आप निराशा में डूबे और उदास हैं? अपने पूरे मन से यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और वो जंजीरें काट डालेंगे जो आपको जकड़े हैं। बाइबल में आज भी सभी समस्याओं का जवाब है। क्या आपको मार्गदर्शन और प्रोत्साहन की जरूरत है? बाइबल पढ़िए और उसे जानिए जो आपकी मदद कर सकता है, यानी यीशु मसीह। आज हम चमत्कार या अद्भुत कार्य जैसे विषय पर कुछ रोशनी डालेंगे। चमत्कार शब्द का हम उपयोग कई बार हल्के या ढीले रूप से करते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति हमेशा काम पे देर से आता है। एक दिन जब वे समय पर आता है तो हम कहते हैं, भाई आज तो चमत्कार हो गया। जरा सोचिए, क्या ये चमत्कार शब्द का सही अर्थ है? अगर नहीं तो फिर चमत्कार क्या है? जिस संसार में हम रहते हैं ये संसार कुछ पदार्थ और धार्मिक नियमों पर चलता है। इस जगत के कर्ता धर्ता ने हमारे लिए कुछ नियम बनाए हैं। ये नियम मनुष्य के ज्ञान के बिना भी चलता है। अगर हम इस पर विश्वास करें या ना करें तब भी ये नियम वहां पे हैं। अगर हम इनके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं फिर भी ये नियम अपने जगह पे हैं। उदाहरण के रूप से हम एक क्रिकेट बॉल को ले लें। मैं क्रिकेट बॉल को लेकर 10 तल्ले की मंजिल के ऊपर में जाकर वहां से मैं उस बॉल को फेंकता हूं। चाहे मैं इस नियम का मानूं या इस नियम को ना मानूं, बॉल हमेशा नीचे की तरफ गिरेगा, क्योंकि यह नियम है, बॉल हमेशा नीचे की तरफ गिरेगा। अब अगर परमेश्वर किसी कारण से, उनकी दया दृष्टि से, अगर कोई भी नियम का उल्लंघन हो जाए
तो उन घटनाओं को हम चमत्कार कहते हैं। परमेश्वर की दया दृष्टि से अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन हो जाए तो हम उसे चमत्कार कहते हैं। चमत्कार अपने आप नहीं होता, सिर्फ परमेश्वर के अद्भुत शक्ति और ज्ञान के कारण होता है, उनकी दया के कारण होता है। परमेश्वर ने इस चमत्कार की शक्ति हमें नहीं दी है, यानी कि हमारे जीवन में अगर कोई चमत्कार होता है तो इसका माने ये नहीं कि हम परमेश्वर हैं, सिर्फ परमेश्वर के पास ही ये शक्ति है। परमेश्वर कभी कभी अपना काम हमारे जीवन के द्वारा करता है, ऐसा धर्मशास्त्र यानी कि बाइबल में भी हम देखते हैं। मूसा को परमेश्वर ने चमत्कारी रूप से 10 नियम दिए। मूसा के जीवन में एक बार जबकि उनके दुश्मन उनके पास आ रहे थे, समुद्र के तट पे समुद्र का पानी अलग अलग हो गया और लाखों लोग एक चमत्कार से बच गए। अब जो चमत्कार हम आपको बता रहे हैं, ये चमत्कार कैसे हुआ? क्या इसका कोई हल है? क्या इसका हम कोई जवाब दे सकते हैं? नहीं, परमेश्वर ने ये किया। उस जगह में क्यों हुआ, उतने देर तक क्यों हुआ जितने देर लगा मूसा और सब लोगों को दूसरी तरफ जाने के लिए, और फिर जब दुश्मन वहां पे पहुंचे तो पानी फिर से वापस आके दुश्मनों का नाश कर दिया। इस चमत्कार का क्या हल हो सकता है? परमेश्वर ने एक अद्भुत चमत्कार किया, ठीक उसी रूप से जैसा कि उन्होंने कहा था। अब कुछ लोग कहेंगे कि यह चमत्कार जरूरी था सिर्फ पहले के लिए, और आज के जमाने में जबकि विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है, ये चमत्कार आज जरूरी नहीं है। ये सब बातें हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। हमें सोचना पड़ता है कि परमेश्वर क्यों चमत्कार करता है। पहला कारण, परमेश्वर जगत को याद दिलाना चाहता है कि वे हमारे दिमाग के बनाए हुए नहीं हैं, वे महान हैं, वे चमत्कार करते हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं। दूसरा कारण, परमेश्वर ईसा मसीह के कहे हुए अद्भुत वचन को सही दिखाना चाहते हैं, इसलिए चमत्कार होता है। तीसरा कारण, परमेश्वर हमारा ध्यान उनकी ओर बढ़ाना चाहते हैं ताकि हम लोग उनके बारे में और उनके प्रेम और दया के बारे में सोचें, इसलिए चमत्कार होता है। चौथा कारण, कभी कभी परमेश्वर हम पर दया करता है और हमें हमारे दुख और दर्द को दूर करता है, इसलिए भी चमत्कार होता है। पांचवा कारण, परमेश्वर चमत्कार करता है ताकि अंधविश्वासी लोग अपने जीवन के गलत काम को छोड़कर प्रभु के अद्भुत प्रेम को समझे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नष्ट हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में से कोई उनके मुक्ति को प्राप्त ना करे। अब हम जब चमत्कार के बारे में सोच रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पिता परमेश्वर सबसे महान हैं। चमत्कार उनको करना ही पड़ेगा ऐसा उचित नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं, पर हम में से जो उनके बारे में जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर आप, अगर तुम, अगर मैं, अगर हम उन्हें सच्चे मन से और सच्चे विश्वास से अगर उनके पास जाएं और उनसे कुछ मांगे तो परमेश्वर दयालु हैं। वे हमारे हर जरूरत को पूरा करते हैं, हमारी प्रार्थना और विनती को सुनते हैं। अगर आपके जीवन में कोई आवश्यकता है, क्या आपके जीवन में चमत्कार की आवश्यकता है, क्या आपके जीवन में चंगाई की आवश्यकता है या धन की आवश्यकता है, आपस के संबंध में कुछ समाधान की आवश्यकता है, अगर आपके जीवन में कोई आवश्यकता है तो याद रखिएगा, अगर आप परमेश्वर से आज कुछ मांगेंगे, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। आज आपने खुद देखा, श्री नायडू को कैंसर से लड़ना पड़ा, उनका व्यापार नष्ट हो रहा था, नायडू जी परमेश्वर की ओर गए और परमेश्वर ने उनके जीवन में एक चमत्कार कर दिया। अगर वो नायडू जी के लिए चमत्कार करते हैं, क्या वे आपके लिए चमत्कार नहीं करेंगे? अगर आप सच्चे मन से उनके पास जाइएगा और कुछ मांगिएगा तो याद रखिए, आपके जीवन में भी चमत्कार हो सकता है। आ रहे हैं हम कुछ देर के बाद। कौन है आज संसार में जो सचमुच खुश हैं? क्या वो अमीर और मशहूर लोग हैं, वो खूबसूरत लोग? वास्तव में नहीं, इसके बजाय वो हैं जिन्हें आप देख सकते हैं अपंगों के बीच कार्य करते हुए, गरीबों को वस्त्र और बुजुर्गों की देखभाल करते हुए, जो अब इस हाल में नहीं हैं कि अपनी देखभाल खुद कर सकें। आप देखेंगे कि वो दुखी और लाचारों को खुशी का संदेश देते हैं, निराश और अकेलों और असहायों को हर्षित करते हैं। उन्हें मालूम है सीधे खुशी मिलने का एक ही जरिया है परमेश्वर की सेवा, उनकी सेवा द्वारा। इससे बड़ी कोई खुशी नहीं जो परमेश्वर को जान लेने से मिलती है।
इस समय हम आपके लिए एक सुंदर सा संगीत लेके आए हैं, कॉनी स्कॉट का हीलिंग वाटर्स, चंगाई के बारे में एक सुंदर सा गीत। हम आशा करते हैं कि आप इसका भरपूर आनंद लेंगे। What are you heading to today, son? I don't know. Thank you.
हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो हमारे दिए हुए पते पर, जो हम आपको इस कार्यक्रम के अंत में दिखाएंगे, उस पते पर हमें लिखें। हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे और आपके लिए एक शास्त्र समूह लेख भी भेजेंगे। हमारे अगले कार्यक्रम तक धन्यवाद और नमस्कार। हमारे पास एक मुफ्त पुस्तिका है जिसका नाम है अंधकार से ज्योति और ये 8 भाषाओं में उपलब्ध है। अगर आप ये पुस्तिका चाहते हैं तो एक पोस्टकार्ड पर अपना नाम और पता लिखकर हमें भेज दीजिएगा। हमारा पता है CBN इंडिया, PO बॉक्स 41, पंजारा हिल्स, हैदराबाद 500034। इसके अलावा आप हमारे दिए टेलीफोन नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज ही खत लिखिएगा या फोन कीजिएगा।